Assalamualaikum friends, my name is Momin Majid and you're watching Gujranwala Media. Today we are with Dr. Taimur Kiani, who, is, who has done specialization in media and drama and theatre. Let's talk to him and enlighten our knowledge. Assalamualaikum sir. Wa-Alaikum-Assalam, sir, It's such a great honor for me. Thank you, sir. To talk to you and you are a rising star. Hain. तो इट्स इट्स ग्रेट ऑनर सर इट्स ऑनर फॉर अस टू हैव यू इन द शो और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आपसे जो सीखने को मिलेगा वही हम अपनी ज़िंदगी में लेके आएंगे ताकि आप जैसी शख्सियत बन सकें सर सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप आज का जो जो इरा है वो जो कि सिनेमास का इरा बन चुका है जबकि आपका जो इरा था वो थिएटर का था तो ये जर्नी आप कैसे देखते हैं कि हम थिएटर से निकल के सीधा सिनेमास में आ गए देखिए ये आपकी बात दुरुस्त है लेकिन थिएटर की जो हिस्ट्री है वो तो ढाई हज़ार साल पुरानी है मतलब ग्रीक के दौर से और उसके बाद क्या है कि एक्चुअली थिएटर ने क्या किया है कि थिएटर ने चीज़ों को लाइव बनाया और जो फ़िल्म है और ड्रामा है उसमें बड़ी इंपॉर्टेंस है उसकी और मैं उसका स्टूडेंट भी हूँ तो उसको सीखने का बड़ा मौका मिलता है लेकिन असल बात यह है कि थिएटर क्योंकि लाइव है तो जो लाइव चीज़ होती है उसका इम्पैक्ट फैक्टर बड़ा होता है और ख़ास तौर पर अगर कोई क्रिटिकल हो कोई मैसेजिंग हो उसके अंदर उसके अंदर उसके अंदर कोई इशू बेस्ड हो तो ड्रामा और की जो असल जान है वो थिएटर में सर देखें पहले जो थिएटर था वो बहुत आर्टिस्टिक होता था बहुत मैसेज वाला होता था लाइफ वुल्ड होता था विविड होता था लेकिन अब का थिएटर जो है वो बिल्कुल डिसक्रेज़ किया जा रहा है थिएटर को बहुत वलगैरिटी की तरफ जा रहा है तो इसको आप कहाँ देखते हैं और एक ये कल्चर कहाँ से आया बहुत अफसोसनाक चीज़ है और मैं समझता हूँ इससे बहुत नुकसान हुआ बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कि ये साजिश है एक तरह से ड्रामा थिएटर म्यूज़िक परफॉर्मिंग आर्ट्स के लिए क्या आपने वलगैरिटी को प्रमोट किया कि क्योंकि देखें वो जो जो लैंगवेज हम इस्तेमाल करते हैं जो वर्ग वर्ल्गर लैंग्वेज ड्रामा का हिस्सा बनती उससे फिर वो कौन से लोग आएंगे देखिए सबसे जरूरी चीज़ है ड्रामा थिएटर में वहीं साहब आप ख़ुद परफॉर्मिंग आर्ट से तौर रखते हैं वो ऑडियंस है अगर ऑडियंस आपकी ऐसी होगी कि वो वो पढ़ी लिखी होगी और वो सोचेगी कि यार ये क्या मैं सुन रहा हूँ तो वो चली जाएगी तो हुआ ये कि ओवर द इयर्स हमने उस ऑडियंस को पुश किया लेकिन मुझे खुशी है कि अब दोबारा से सीरियस थिएटर आ रहा है और आप देखते हैं कि जैसे अजोका थिएटर की आपने मैं ज़िक्र करना पसंद करूंगा जिससे मुझे बड़ा सीखने का मौका मिला और बाकी भी जो सीरियस थिएटर कंपनी है आवाज़ और दूसरी तो उनसे क्या हुआ है कि एक नई सोच पैदा हुई और मैं समझता हूँ कि हमेशा सोच पैदा करने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि एक बेहतरीन स्टोरी टेलिंग हो देखिए हमारी फिल्म भी नाकाम हुई हमारे ड्रामे भी जो है वो सीरियस कंसर्न है उनके साथ वजह क्या है कि वो उनमें स्टोरी टेलिंग नहीं मतलब कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं मतलब हमारी फिल्म है उसके अंदर प्यार मोहब्बत हर चीज़ है लेकिन उसमें कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं तो अगर कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा तो स्टोरी टेलिंग कैसी होगी तो मैं ये समझता हूँ कि ओवरऑल बुरहान जो मोमेंट्स साहब वाया है वो ये कि अच्छी स्टोरी टेलर्स नहीं हमारे पास और मैं समझता हूँ कि स्टोरी टेलिंग टेलर इसलिए नहीं कि हम इसे पढ़ाते ही नहीं अब आप पूछेंगे कि डॉक्टर साहब ये तो यूनिवर्सिटीज़ में भी पढ़ाया जाता है सब्जेक्ट और वो वजह ये कि हम उसके सिर्फ क्रिटिकल एंगल पढ़ा रहे हैं हम उसका क्रिएटिव एंगल नहीं पढ़ा रहे हम ये नहीं सिखा रहे कि आप ड्रामा कैसे लिख सकते हैं कैसे उसको बना सकते हैं फिल्म को कैसे बना सकते हैं अब देखिए शॉर्ट फिल्म कितनी पॉपुलर डिवाइस है उसे कैसे पॉपुलर किया जा सकता है सर जैसा कि आपने कहा कि आपके जो राइटर्स हैं वो बहुत बड़ी एक रीज़न बन सकते हैं अपने लोगों को एजुकेट करने का आपके जो व्यूअर्स हैं उनको एजुकेट करने का कि वो किस तरह की जो योनर है वो देखना पसंद करते हैं इंस्टेड ऑफ वॉचिंग दैट वेलगैरिटी तो सर आप ख़ुद भी एक एजुकेशनस्ट हैं और आप पढ़ाते हैं बहुत अच्छे तरह तो आप कहाँ देखते हैं कि हमारे यहाँ पे स्कूल्स में कॉलेजेस में ये स्क्रीन प्लेस को किस तरह पढ़ाना चाहिए और उसके लिए क्या इकदाम करने चाहिए जी मैं पता नहीं चाहता हूँ कि देखिए कि गिफ्ट यूनिवर्सिटी ने मुझे बड़ी अपॉर्चुनिटी दी खासतौर पर गिफ्ट लैंग्वेज सेंटर में हमने खुद रोल प्लेइंग को हम लेकर आए ताकि बच्चों के दरमियान लैंग्वेज स्किल्स जो हैं वो थ्रू ड्रामा हम डेवलप करें तो एक और भी बड़ी बात थी कि मुझे इसी इनिशिएटिव के तहत Uh, मौका मिला कि मैं, uh, मैं मुख्तल किस्म के स्कूल में जाऊँ सिटी स्कूल में जाऊँ एल जी एस में जाऊँ और मैं वहाँ हैरान रह गया मोहम्मन साहब कि जो लेवल ऑफ इंटरेस्ट मैंने ड्रामा और थिएटर और फिल्म का पाया तो मैं हिल के रह मैंने कहा और मैंने शुक्रिया अदा किया कि मुझे गिफ्ट यूनिवर्सिटी की तरफ से गिफ्ट रैंकेंटर की तरफ से और हमारे जो डीन हैं डॉक्टर आसर अजमल की तरफ से इतनी सपोर्ट मिली कि हमने फिर उन उन स्कूल्स के लिए डिफरेंट प्रोग्राम्स डिज़ाइन किए और आप हैरान होंगे कि उनका शौक़ लगन तो मुझे तो ड्रामा और थिएटर और फिल्म का फ्यूचर पाकिस्तान में बहुत प्राइड लग रहा है। सर लेकिन उसका अगर मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा जो कि मैं बहुत देर से सोच रहा था कि हमारे यहाँ पे बड़े बड़े आर्टिस्ट मौजूद हैं बड़े बड़े राइटर्स मौजूद हैं बड़े बड़े डायरेक्टर्स मौजूद हैं लेकिन फिर भी हमारा जो मीडिया है वो नाकामी की तरफ जा रहा है जबकि आपके अब जैसा कि आपने कहा कि हमारा थिएटर वापस आ रहा है फिर भी वो कल्चर वापस आ रहा है लेकिन आप इसको कैसे देखते हैं कि ये नाकामी की तरफ क्यों जा रहा है और दोबारा कामयाबी की तरफ लाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा हमें ये बहुत ही अला सवाल पूछा मोहन साहब अब मैं कहता हूँ माइंड ब्लोइंग क्वेश्चन है बात यह कि इशू क्या है इशू ये है कि हम हमारे पास अच्छे कॉन्टेंट राइटर नहीं हमारे पास अच्छे स्क्रिप्ट राइटर नहीं जिस अगर आप रिवाइवल चाहते हैं तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा आपको स्क्रिप्ट राइटर लाने पड़ेंगे अच्छे नंबर वन क्योंकि हम बहुत अच्छे कैमरामैन भी प्रोड्यूस करने में कामयाब हैं टाइप सिनेमाटोग्राफ़र भी प्रोड्यूस करने में कामयाब हैं लेकिन असल प्रॉब्लम टेक्निकल नहीं असल है असल प्रॉब्लम कॉन्सेप्चुअल है असल प्रॉब्लम ये कि वो स्टोरीज़ किस किस्म की डेवलप की जाए जो जो कि माशरे का हिस्सा बने और कामयाब बने अब देखिए मेरा अपना प्ले नो एग्जिट जो है वो वो इलीगल इमिग्रेशन पर है तो मैंने क्यों उसको मौजूद चुना क्योंकि गुजरात गुजरावाला और शेखूपुरा का ये बहुत बड़ा मसला है यहाँ से हज़ारों लोग जो हैं वो इलीगल इमिग्रेट होकर उधर बाहर के मुल्क जाते हैं और उत, और उसकी वजह से शदीद नुकसान पहुँचता है पाकिस्तान को इमेज को भी और उनकी ज़िंदगियों को भी तो अगर आपका प्ले आपका ड्रामा आपका फिल्म का कोई कोई क्रिएटिव साइड के होने के साथ साथ उसकी एक क्रिटिकल साइड होगी और मैसेज होगा तो ज़रूर कामयाब होगा अब मैं हैरान हूँ कि मेरा वो इंग्लिश में लिखा हुआ प्ले जो है वो जो है ट्रांसलेट भी हुआ और फिर उसको लोगों ने इतनी अहमियत दी और आप जैसे आप जैसे जो उभरते हुए एंकर हैं उन्होंने सेलेक्ट किया मुझे आपके मीडिया चैनल ने गुजरा वाला मीडिया चैनल तो बहुत बहुत एक एक पाकिस्तान का उभरता हुआ एक चैनल है तो इसमें आपने मुझे मौका दिया तो मैं ये समझता हूँ कि कामयाबी किस चीज़ की इस चीज़ की है कि हम ड्रामा और थिएटर को नई डायमेंशन दें और आप यकीन करें ये शौक़ मैंने गिफ्ट लैंग्वेज सेंटर के थ्रू भी और फिर मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में भी देखा कि मुझे स्टूडेंट जो जो जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स हैं वो चाहते हैं कि हम ड्रामा पढ़ें हम चाहते हैं कि हम जो एंटरटेनमेंट चैनल की तरफ जाएँ और देखिए जो प्रॉब्लम आ रही है प्रॉब्लम ये आ रही है कि हम 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 न्यूज़ चैनल की तरफ बहुत ज़्यादा चले गए और इंटरटेनमेंट के लिए खला है तो मौका ये अच्छा है कि हम गुजरावाला को जो है वो इंटरटेनमेंट की दुनिया से रोशनाज करें सर so, जैसा कि आपने जिक्र किया गुजरावाला का तो मैं आपसे ये ज़रूर पूछना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पे जो जूनियर आर्टिस्ट्स होते हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट पाया जाता है वो वेस्ट हो जाते हैं वो गुजरावाला में रह जाते हैं या इस तरह के जो छोटे शहर हैं इंटरटेनमेंट के लिहाज से वो पीछे रह जाते हैं जबकि लाहौर और कराची को जो है वो दाइस तो आप ये कैसे देखते हैं कि उनको किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए ताकि वो फ्रंट फुट पर आए और जो है अपने मुल्क का नाम रोशन करें देखिए शॉर्ट फिल्म को हमें प्रमोट करना चाहिए और मैं मुझे बड़ी खुशी है मेरी आगा सहेल साहब से भी बात हुई तो उन्होंने भी इस चीज़ को प्रमोट किया कि आप शॉर्ट फिल्म में आएँ और मैं आप सब लोगों को आर्टिस्ट जो यंग आर्टिस्ट उनको कहता हूँ कि देखिए आप तो शॉर्ट फिल्म मोबाइल से मोबाइल से भी बना सकते हैं तो काइंडली शॉर्ट फिल्म बनाएं आप ईरानी मूवीज़ देखिए ठीक है और दूसरी मूवीज़ देखिए टर्किश मूवीज़ देखिए शॉर्ट फिल्म हैं और उन्होंने क्या किया, किया कि पूरी दुनिया को कैप्चर कर लिया तो मैं रिक्वेस्ट भी करूँगा आपके थ्रू यंग आर्टिस्ट को कि वो अपने को वो अपने आप को घबराएं ना और मौके से फ़ायदा उठाएं क्योंकि अभी बहुत बड़ी कॉस्ट नहीं है शॉर्ट फिल्म बनाना तो शॉर्ट फिल्म की दुनिया में आना चाहिए और फिर उसकी जो कम्पटिशन है पर पार्टिसिपेट करें और फिर देखें आप कैसे एक्सेल करते हैं क्योंकि वजह इसकी कि अगर आप आर्टिस्ट हैं तो आपकी सिर्फ दुनिया एक शहर नहीं है एक मुल्क नहीं है बल्कि आपके तमाम दुनिया आपका आपके लिए एक जो है वो एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म फराम कर सकती है आपको डॉक्टर साहब दैट वॉज रियली रियली इंस्पायरिंग एंड इम्प्रेसिव टॉक सर सबसे पहले तो मैं जैसा कि आपका शुक्र तय कर चुका हूँ कि आप बहुत ज़्यादा जो है वो हमारे यंग जनरेशन को हम जैसे आर्टिस्ट को जो है वो आप प्रमोट करते हैं और सपोर्ट करते हैं तो जो आर्टिस्ट इस टाइम हमें बैठ के देख रहे हैं घर में और आपकी गुफ्तु सुन रहे हैं आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो किस तरह जो है अपनी लाइफ को जो है वो बिल्कुल पुश करके कामयाबी की तरफ जा सकते हैं देखिए सबसे पहले तो मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि देखिए सबसे ज़्यादा अहम स्किल जिंदगी में कामयाब होने के लिए कम्युनिकेशन स्किल और वो कम्युनिकेशन स्किल आपको एज ए आर्टिस्ट आ जाती है मैं समझता हूँ कि ड्रामा थिएटर फिल्म आपको वो स्किल देती है कम्युनिकेशन की कि आप किसी भी फील्ड में जाएँ आप एक्सेल करेंगे तो एक तो सबसे पहले कि अपने अंदर हौसला पैदा करें दूसरी बात है कि मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूँगा कि आप अपनी लैंग्वेज स्किल्स को प्रूव करें एज ए आर्टिस्ट आपको पता होना चाहिए कि लफ्स को कैसे प्रोनाउंस करना है अपनी विकैबुलरी बढ़ाएं अगर आप अपनी विकैबुलरी बढ़ाएंगे तो एज ए आर्टिस्ट आपका जेन खुश आदा होगा और आपका जेन कुछ आदा होगा तो आप एक्सेल करेंगे थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब जैसा कि शेक्सपियर ने भी कहा था कि दिस 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 वर्ल्ड वर्ल्ड इज 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 फुल ऑफ आर्टिस्ट एंड स्टेज सो इंप्रेसिव टॉक ठीक है थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब थैंक्स फॉर बींग विद थैंक यू फॉर द शो थैंक यू फॉर द टॉक थैंक्स अ लॉट मोमिन साहब आपके जबरदस्त सवालों और मैं आपके चैनल को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि वो उसने इतने अच्छे लोगों को कोलीग्स को इधर रखा हुआ है और और मैं समझता हूँ कि देखिए कोई कंट्रीब्यूशन भी हो आ, आ, इस फील्ड के अंदर मैं हाज़िर हूँ और आप जैसे जो यंग्स कोलीग्स हैं वो तो मेरे लिए भी इंस्पायरेशन का भाई है थैंक यू सो मचो लॉर्ड थैंक यू सो मच व्यूअर्स थैंक्स फॉर वॉचिंग प्लीज़ सब्सक्राइब टू आर चैनल एंड फॉलो अस थैंक यू सो मच अ गुड डे